एक गांव में एक महामूर्ख था। वो बहुत परेशान था क्योंकि वो कुछ भी कहता लोग हंस देते, लोग उसको महामूर्ख मान ही लिए थे। वो कभी ठीक भी बात कहता तो भी लोग हंसते थे। वो सुकड़ा सुकड़ा जीता था, बोलता तक नहीं था। ना बोले तो लोग हंसते थे, बोले तो लोग हंसते थे, कुछ करे तो लोग हंसते थे, ना करे तो लोग हंसते थे। उस गांव में एक फकीर आया। उस महामूर्ख ने रात उस फकीर के चरण पकड़े और कहा कि मुझे कुछ आशीर्वाद दो, मेरी जिंदगी क्या ऐसे ही बीत जाएगी सुकड़े सुकड़े? क्या मैं महामूर्ख की तरह ही मरूंगी कि थोड़ी बुद्धि मुझ में आ जाए? उस फकीर ने कहा, उपाय है ये ले सूत्र, तू निंदा शुरू कर दे। उसने कहा, निंदा से क्या होगा? फकीर ने कहा, 7 दिन तू कर और फिर मेरे पास आना। उस महामूर्ख ने पूछा, करना क्या है निंदा में? उस फकीर ने कहा, कोई कुछ भी कहे तू नकारात्मक वक्तव्य देना, जैसे कोई कहे कि देखो कितना सुंदर सूरज निकल रहा है, तू कहना इसमें क्या सुंदर है, सिद्ध करो सुंदर कहां है, क्या सुंदर, रोज निकलता है, अरबों खरबों सालों से निकल रहा है, आंख का गोला है, सुंदर क्या है? कोई कहे कि देखो जीसस के वचन कितने प्यारे हैं, तू तत्क्षण टूट पड़ना कि क्या है इसमें प्यारा, कौन सी बात खूबी की है, कौन सी बात नई है, सदा से तो यही कहा गया है, सब पिटा पिटाया है, सब बासा है, सब उधार है, तू नकार ही करना। कोई सुंदर स्त्री को देख के कहे कितनी सुंदर स्त्री, तू कहना इसमें है क्या, जरा नाक लंबी हो गई तो हो क्या गया, कि रंग जरा सफेद हुआ तो हो क्या गया, सफेद तो कोढ़ी भी होते, सुंदर कहां है, सिद्ध करो। तू हरेक से प्रमाण मांगना और ख्याल रखना ये कि हमेशा नकार में रहना, उनको विधेय में डाल देना, तू नकार में रहना, 7 दिन बाद आ जाना। 7 दिन बाद तो जब आया महामूर्ख तो अकेला नहीं आया, उसके कई शिष्य हो गए थे। वो आगे आगे आ रहा था, फूल मालाएं उसके गले में डली थी, बैंड बाजी बज रहे थे। उसने फकीर से कहा कि तरकीब काम कर गई, गांव में एकदम सन्नाटा खिंच गया है, जहां निकल जाता हूं लोग समीक्षा कर लेते, लोगों में खबर पहुंच गई है कि मैं महामेधावी, मेरे सामने कोई जीत नहीं सकता, अब आगे क्या करना है? कब आगे तू कुछ करना ही मत, बस तू इसी पर रुके रहना, अगर तेरे को मेधा बचानी कभी विदेह में मत पड़ना, ईश्वर की कोई कहे तो तत्क्षण तत्क्षण नास्तिकता प्रकट करना, जो भी कहा जाए तू हमेशा नकारात्मक वक्तव्य देना, तुझे कोई ना हरा सकेगा, क्योंकि नकारात्मक वक्तव्य को असिद्ध करना बहुत कठिन, विधायक वक्तव्य को सिद्ध करना बहुत कठिन। ईश्वर को स्वीकार करने के लिए बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए, बड़ी सूक्ष्म संवेदना चाहिए, हृदय का अत्यंत जागरूक रूप चाहिए, चैतन्य की निखरी हुई दशा चाहिए, भीतर थोड़ी रोशनी चाहिए, लेकिन ईश्वर को इंकार करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कोई अनिवार्यता नहीं है ईश्वर को इंकार करने के लिए। इसलिए लोग दुनिया में निंदा करते, निंदा का मनोविज्ञान सस्ता मनोविज्ञान, सुगम उपाय, इससे तुम्हारी प्रतिभा सिद्ध होगी और इसमें कुछ खर्च पड़ता ही नहीं, हल्दी लगे न फिट करी रंग चोखा हो जाए, इसमें कुछ खर्च होते ही नहीं, इसे सीखने कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई सत्संग करना आवश्यक नहीं। इसलिए हर आदमी निंदा में कुशल है, तुम चारों तरफ लोगों को पाओगे निंदा रस लेते, पता नहीं जिन्होंने रसों की गणना की उन्होंने निंदा रस क्यों छोड़ दिया, क्योंकि और सब रस तो कोई कभी कभार लेता, निंदा रस तो लोग रोज लेते हैं सुबह से शाम तक। तुम अखबार पढ़ते हो इसलिए कि कुछ निंदा रस मिल जाए, जरा किसी की निंदा हो रही हो तुम एकदम चौकन्ने होकर सुनने लगते, तुम कैसे ध्यानस्थ हो जाते हो, अगर कोई आके बताए कि पड़ोसी की स्त्री किसके साथ भाग गई, तुम भूल जाते हो सब संसार की बात, उस क्षण ध्यान ऐसा लगता है, तुम खोद खोद के पूछने लगते हो कुछ और तो कहो, कुछ आगे तो बताओ, विस्तार में चलो जरा, ऐसे संक्षिप्त ना हो कहां भागे जा रहे हो, पूरी बात कहके जाओ, बैठो चाय पी लो, पलक पावड़े बिछा देते हो, जहां तुम्हें लगता है कि कुछ निंदा हो रही वहीं तुम्हें रस आता है, रस आता है क्योंकि दूसरा आदमी छोटा किया जा रहा है और उसके छोटे होने में एक भीतरी प्रतीति होती कि मैं बड़ा हूं। इसलिए अगर कोई भिखारी रास्ते पर केले के छिलके पर फिसल के गिर पड़े तो तुम्हें उतना रस नहीं आता जितना रस कोई सम्राट केले के छिलके के फिसल के गिर पड़े तो आए, दिल खुश हो जाएगा।
जिसको मुल्ला नसीरुद्दीन कहता है दिल का गार्डन गार्डन हो जाना, बाग बाग हो जाने का उसने अनुवाद किया। जब पहली दफा उसने मुझसे कहा मैं भी चौंका, उसने मुझसे पूछा कि ये दिल का गार्डन गार्डन हो जाना क्या है, उसने कहा अरे बाग बाग हो जाना, ये उसका अंग्रेजी अनुवाद है। कोई बादशाह फिसल के गिर पड़े कैसा चित्त प्रसन्न होता है। इसलिए जब तुम्हें खबर मिल जाती कि कोई प्रधानमंत्री कोई राष्ट्रपति किसी गलत काम को करते हुए पकड़ लिया गया है तो कैसा निंदा का रस फैलता है, क्या प्रयोजन है, किसको लेना देना होना चाहिए। कोई प्रधानमंत्री अगर किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गया बस, जैसे कि कोई बड़ी अनूठी बात हो गई, कितना रस फैलता है, कितने लोग उत्सुक हो जाते। ये सिर्फ एक बात बताई जा रही है, इसके भीतर सिर्फ एक बात की सूचना हो रही कि तुम प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि जरा फंसो, कि जरा कहीं गिरो, कि जरा पैर फिसले तुम्हारा किसी केले के छिलके पर, तुम चारों खाने चित्त हो जाओ। ये दिल में तुम्हारे आकांक्षा ही थी। इसलिए जो व्यक्ति भी चार पांच साल सत्ता में रह जाता, जनता उसी को सत्ता से उतारने को उत्सुक हो जाती, आतुर हो जाती, बहुत हो गया, ये गिरना ही चाहिए आदमी। छोटी छोटी बातें फिर खूब बड़ी बड़ी करके फैलाई जाती और लोग उनको स्वीकार करने को राजी होते। तुमने मजा देखा, अगर तुम किसी की प्रशंसा करो कोई सुनने को राजी नहीं, न कोई स्वीकार करने को राजी। अगर तुम कहो कि फला व्यक्ति देखो कैसा महात्मा हो गया, वो कहेगा अरे सब देख लिए महात्मा, कहीं कोई महात्मा ना होता है ना हुआ है, सब धोखाधड़ी, कुछ चालबाजी होगी, जरा रुको थोड़ा ठहरो, जब पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा, हमने कई को गिरते देख लिया है। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि फला आदमी चोरी कर रहा है, फला आदमी बेईमान है, फला आदमी ने रुष्वत खाई, तो तुम कभी इंकार नहीं करते कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तुम तो तत्क्षण स्वीकार कर लेते हो जैसे तुम पहले से माने ही बैठे थे। हमने ये मान ही रखा है कि हमारे अतिरिक्त और सब लोग बुरे हैं, किन्हीं का पता चल गया है, किन्हीं का पता नहीं चला, कभी चल जाएगा, मगर हमारे सिवाय सारे लोग बुरे हैं। ये तो हमारी स्वीकृत मान्यता है। इस स्वीकृत मान्यता को जो भी सहारा दे देता है हम तत्क्षण अंगीकार कर लेते। हालत हमारी ऐसी, अगर कोई तुमसे कहे कि फला आदमी देखो कितनी प्यारी बांसुरी बजा रहा है, तुम कहोगे वो क्या खाक बांसुरी बजाएगा, चोर लंपट लुच्चा। जैसे कि लुच्चा लंपट और चोर होने से बांसुरी बजाने में कोई बाधा पड़ती हो, लेकिन तुमने तत्क्षण निंदा कर दी, वो क्या खाक बांसुरी बजाएगा, उसकी बांसुरी में क्या रखा है। हम उसे भली बात जानते, हम उसके बाप दादों को भी जानते, वो क्या बांसुरी बजाए। लेकिन इससे उल्टी बात तुम्हें कभी सुनने में ना आएगी कि कोई कहे कि देखो वो आदमी चोर है, बेईमान है, लंपट, और तुम कहो कि नहीं ये कैसे हो सकता है क्योंकि वो इतनी प्यारी बांसुरी बजाता। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, इतनी प्यारी बांसुरी बजाने वाला आदमी चोर होगा, लंपट होगा, ये कैसे हो सकता, ऐसा तुम कभी ना कहोगे। ये तुम्हारे अहंकार के विपरीत है। जो तुम्हारे अहंकार को भरता है वह है निंदा। इसलिए प्रशंसा तो लोग बड़े बेमन से करते हैं, बड़े बेमन से, मजबूरी में करते हैं, कुछ लेना हो प्रशंसा करके तो करते हैं। इसलिए ऊपर ऊपर प्रशंसा कर देते हैं, पीछे बदला लेते हैं। अदालत में मुकदमा था, एक नेताजी ने अदालत में एक आदमी पर मानहानि का मुकदमा चलाया था, क्योंकि होटल में जहां की 50-60 लोग मौजूद थे उस आदमी ने नेताजी को उल्लू का पट्टा कह दिया। स्वभावतः नेताजी क्रुद्ध हो गए, उल्लू का पट्टा, इसको मजा चखा के रहेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन नेताजी के बगल में ही खड़ा था जब उल्लू का पट्टा उन्हें कहा गया, तो उन्होंने उससे कहा कि मुल्ला गवाही देनी होगी, तुम्हारे सामने कहा था। उसने कहा बिल्कुल गवाही दूंगा, प्रत्यक्ष गवाह मैं हूं, मेरे सामने गाली दी गई है, मैं तुम्हारे बगल में खड़ा था। अदालत में गवाहियां हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा मजिस्ट्रेट ने कि वहां 50 लोग थे और जिस आदमी पर दोष लगाया गया गाली देने का, वो आदमी कहता है कि मैंने किसी का नाम लेके नहीं कहा, हाँ मैंने उल्लू का पट्टा शब्द उपयोग किया था, मगर वहां 50-60 लोग थे, नेताजी को मैंने लक्ष्य करके ये नहीं कहा है। तुम्हारे पास क्या सबूत है नसीरुद्दीन के नेताजी को ही लक्ष्य करके? नसीरुद्दीन ने कहा मैं मानता हूं वहां 50-60 लोग थे, लेकिन उल्लू का पट्टा वहां सिवाय नेताजी के और कोई था ही नहीं।
अब क्या करोगे? अपना गवाह भी ये कह रहा है। तुम चाहते हो जो सत्ता में है, शक्ति में, पद में है, प्रतिष्ठा में, जिनके पास धन है, वो चारों खानों गिरे। इससे तुम्हारे दिल को बड़ी राहत होगी। दुनिया में जब कभी किसी का पतन होता है, लोगों के चित्त को बड़ी राहत मिलती, बड़ा हल्कापन आ जाता है। लोग प्रतीक्षा करते हैं इसकी कि किसी का चरित्र भ्रष्ट हो जाए। इस पर बहुत दारमदार है उनकी। चरित्र तो बनाना मुश्किल है, अपने जीवन को तो गरिमा देना मुश्किल है, महिमा देना मुश्किल है, मगर किसी की महिमा छिन जाए तो उसको बड़ा चाह के चर्चा करना तो आसान है। जितनी उसकी तुम चर्चा करते हो बुराई की, उतने ही तुम भीतर अच्छे होते जाते हो। यह निंदा का मनोविज्ञान है, यह अहंकार की छाया है और अहंकार का पोषण भी। मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुमसे कह रहा हूं तुम अंधे की तरह जीना, या गोरख तुमसे कह रहे हैं तुम अंधे की तरह जीना, जहां तुम गलत देखो वहां चुप रह जाना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना गोरख कह रहे हैं। क्योंकि अगर गोरख ये कहते तो जो उन्होंने कहा ये भी नहीं कह सकते थे। इस बात को ख्याल में ले लो, ये भी तो गलत देखा ना। ये देखा कि योगी और निंदा कर रहे हैं, कि योगी और मद मांस और भांग पी रहे हैं, तो कहा कि नरक में पड़ोगे। इसको तुम निंदा मत समझना, इसमें निंदा कुछ भी नहीं है, इसमें सहज करुणा है, इसमें सहज सद्भाव है। उन्हें नीचे दिखाने का प्रयोजन नहीं, सच में तो उन्हें ऊपर उठाने की आकांक्षा है, उन्हें जगाने की आकांक्षा है।